माही बेटा, कहीं उस लड़के ने तुम्हारा फायदा तो नहीं उठाया और उसी मजबूरी में तुम्हें उसके साथ शादी करनी पड़ी? माँ प्लीज, ये सब बोलने की जरूरत नहीं। आजकल तुझे तो मेरी कोई बात पसंद नहीं आती और मुझे इसकी वजह पता है। क्या ये सच है माई? नहीं पापा। पापा, आप जानते हैं कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे आपकी इज्जत को ठेस पहुंचे। मैं जानती हूं पापा, मेरी गलती है, मुझे माफ कर दीजिए पापा। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, नेवर। चली जा मेरी नजरों के सामने से और जिंदगी में मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। माही, माही रुको। माही, माही, आप रोकिए उसे। माही, माही संभाल के, माही रुक जा। पागल, क्या करने जा रही थी तू? तुझे कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता? ऐसी इतनी मुश्किलों से मिली है तू हमें, दोबारा खोना नहीं चाहती मैं तुझे। सॉरी दी, मैंने मैंने पापा को बहुत दिल दुखाया है, उन्हें बहुत हर्ट किया है। मैंने आज तक उनकी आंखों में मेरे लिए इतना गुस्सा कभी नहीं देखा। मैं अब जीना नहीं चाहती। I know, Mirza, मेरी गलती है। ये सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो गया कि मैं किसी को कुछ बता ही नहीं पाई। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मेरे लिए तो बस मेरी शादी थी। सोचा ही नहीं कि मेरे इस डिसीजन से दूसरों पे क्या बीतेगी, पापा को कैसा लगेगा। मैं तो बस इतना चाहती थी कि मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं बस उसके साथ रहना चाहती थी। ट्विंकल, माही, क्या हुआ? माही, माही पता है? तू कहाँ चले गई थी पगले? हाँ, जो हुआ सो हुआ, लेकिन जो तू अभी करने जा रही थी उससे हमें ज्यादा दुख पहुंचता ना। तू हमारे लिए बहुत स्पेशल है एंड आई एम श्योर अपने हस्बैंड के लिए भी तू बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए कभी ऐसा मत करना, समझी? और एक बात और, हम में से कोई तेरे प्यार के अगेंस्ट नहीं है, हम सब तुझे खुश देखना चाहते हैं। और पापा, पापा गुस्सा तो होंगे ही ना, तूने इतनी बड़ी न्यूज छुपाई। हम घर चलते, फिर हम वहां जाके बहुत सारी बातें करेंगे और फिर तू हमें अपने उनके बारे में भी बता, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा, ऐसे भी कोई करते हैं पगली? हाँ? नहीं। अच्छा,
पानी पी। आराम से बैठ, पीछे जा आराम से। बोल, अब सब कुछ बता, ठीक है? बिल्कुल घबरा मत माही। मैं उसे लंदन में मेरे साइकियाट्रिस्ट के क्लिनिक में मिली थी। मैं वहां अपने लो सेल्फ एस्टीम और नर्वसनेस की काउंसलिंग के लिए जाती थी। वो भी वही आता था, पर उसे उसे पहली बार देखते ही मुझे ऐसा लगा कि वो बहुत अलग है, बहुत स्पेशल लगा वो मुझे। उससे मुझसे जिस तरह से बात की, मुझे मुझे जितना अटेंशन दिया, मुझे आज तक पापा के अलावा और किसी से नहीं मिला। वो बहुत अच्छा है, बहुत वेल बिहेव्ड, बहुत डिसेंट सा। बहुत ही शांत है, बहुत सुलझा हुआ, बहुत वेल स्पोकन, पोलाइट है। उसमें जरा सा भी एटीट्यूड नहीं है, सबकी केयर करता है। इतना वेल बिहेव्ड है कि किसी को भी उससे प्यार हो जाए। तो मेरी छोटी से छोटी बात का ख्याल रखता है, मुझे बहुत स्पेशल फील कराता है। गुस्सा तो उसे आता ही नहीं है, बहुत डाउन टू अर्थ है। सिर्फ अपनों के साथ ही नहीं बल्कि दूसरों के साथ भी बहुत अच्छे से पेश है। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि मेरी जिंदगी में एक इतना परफेक्ट लड़का आएगा जो मुझे एकदम प्रिंसेस की तरह ट्रीट करेगा। और जब आप सब उसे मिलेंगे ना, तो आपको भी लगेगा कि मुझे तो उससे प्यार होना ही था। नहीं, मैं नहीं मानता कि लड़का इतना अच्छा है। जरूर कोई और बात है, जरूर पैसों के लिए शादी की होगी उसने, हमारी प्रॉपर्टी में नजर होगी उसकी। नहीं पापा, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पापा को मुझसे बहुत प्यार करता है, सच में प्यार करता है पापा, पर उसे मेरे अलावा और कुछ नहीं चाहिए।
देख पिंक, यू इज बैक। एक बार सिर्फ तेरे मैं वापस आ। मैंने आप सबको उसके बारे में सब कुछ बता दिया। बाकी जब आप लोग उनसे मिलोगे तब आप लोगों को भी यकीन हो जाएगा कि वो बहुत अच्छा लड़का है। इसका मतलब ये हुआ पुत्र कि लड़के के माँ बाप को तुम दोनों के ब्याह के बारे में नहीं पता। आई थिंक हमें माही की बात पर यकीन करना चाहिए। जब तक वो लड़का नहीं आता हमें वेट करना चाहिए, जब वो आएगा तो उससे बात कर लेंगे। मैं जानती हूँ आप लोगों को बहुत वियर्ड लग रहा होगा। मैं खुद उसे कॉल करती हूँ। पापा आप एक बार उससे बात कर लीजिए तो आपको तसल्ली हो जाएगी। क्या हुआ माही, फोन नहीं लग रहा? नहीं, फोन स्विच ऑफ है। माही, हमें सिर्फ और सिर्फ तेरी खुशी से मतलब है। और जैसा कुंच ने कहा, हम तुझ पे यकीन करते हैं कि वो लड़का बहुत अच्छा होगा, लेकिन हमें भी उससे एक बार मिलना चाहिए ना। आप सब लोग हमारे घर चलो, रात का खाना हम सब साथ मिलकर खाएंगे। ओए तेरी ये क्या माजरा है? हम सब तो घर के बाहर हैं, तो घर के अंदर दिवाली कौन मना रहा है? ये सब किया किसने? वो क्या रहा है? ओ मेनू की पता, मैं खुद कंफ्यूज्ड हूँ। तो बाऊजी, चाचा जी और आनंद भैया तो लुधियाने गए हुए, तो फिर ये लाइटिंग शाइटिंग किसने की है? आइए अंदर चल के देख। गुड फॉर नथिंग, कौन है वहां पर? कितना मिस किया माही। तो यूवी को कैसे जानती है? वो दी, ये वही है जिसके बारे में मैं आप सबको बता रही थी।
माय हस्बैंड। तुम यहाँ इस घर में कैसे? माही जान, ये मेरा घर है, कुंज भाई है मेरा, मेरी मॉम इनकी ताई सास है। द क्वेश्चन इज, तुम यहाँ क्या कर रही हो, वो भी इन सब के बीच? सब मेरी फैमिली है। फिकर मेरी बहन है और ये मेरी माँ है। पता है कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से मैं मेरी बहन और माँ से दूर हो गई थी। What a coincidence, Mahi. What a coincidence. वही दूर हटे से। तू इसे नहीं जानती। इसकी असलियत मैं तुझे बता दूं। क्या हुआ दी? ये एक नंबर का घटिया इंसान। इसने मेरे साथ प्यार का नाटक किया सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ का घटिया बदला पूरा करने के। उसके बाद जब मेरी और कुंज की शादी हो गई तब भी इसने लाख कोशिशें करी हमारी शादी तोड़वाने की। इसने कुंज की जान तक लेने की कोशिश करी। ये इंसान अपनी जिद के लिए कुछ भी कर सकते है, किसी की भी जिंदगी नरक बना सकता है। तू इसे नहीं जानती माई, इससे दूर रह। मैं सब जानती हूँ। मुझे युवराज ने सब कुछ बताया है अपने पास के बारे में। पर दी, वो बदल चुका है, पहले जैसा नहीं रहा। माही, तुम ट्विंकल की बहन, मुझे अभी भी लग रहा है कि मैं सपना देख रहा हूँ। मेरा पास मेरे फ्यूचर के आड़े आ रहे हैं। अनबिलीव। एक्टिंग करना बंद कर और एक गुड बॉय बनने की कोशिश मत कर। हम सब जानते हैं तू सुधर नहीं सकता। चीजू, राज, ये फिर से तेरी कोई नई चाल है ना? तू बाज नहीं आएगा ना? पहले तूने मेरी ट्विंकल की जिंदगी नू बर्बाद करने की कोशिश की, जब तू कामयाब नहीं हुआ हमारी मासूम सी माई की जिंदगी बर्बाद करने चला है, तेरे को शर्म नहीं आती? एक मिनट, आप शायद मुझे गलत समझ रहे हैं। कहीं आप सबको ये तो नहीं लग रहा कि मुझे पहले से पता था कि माही ट्विंकल की बहन है? ऑफ कोर्स तुझे कहीं से पता चल गया होगा कि माही मेरी बहन, और तूने इसे अपने जाल में फंसा ली ताकि तुझे एक और हथियार मिल जाए मुझे परेशान करने। बस करो दी, बहुत इंसल्ट कर ली मेरे हस्बैंड की आपने। दी, आप बताइए, क्या आप जानती थी कि मैं आपकी बहन हूँ? नहीं ना, फिर युवराज को कैसे पता होगा? माही प्लीज मेरी बात सुन, इस आदमी को जितने अच्छे से हम जानते हैं ना, तू नहीं जानती। नहीं दी, जितने अच्छे से मैं इसे जानती हूँ उतना आप नहीं जानती। बोल बोल, तुझे कैसे पता चला ये मेरी बहन है? ये सब तेरी साजिश है ना? तूने मेरी बहन का ब्रेन वॉश किया ना? यूं भी मैं तुझे अपनी बहन की लाइफ बर्बाद नहीं करने दूंगी। बोल ना, जवाब दे मुझे। स्टॉप इट दी। मैं आप सबको आखिरी बार कह रही हूँ, युवराज बदल चुका है। पास में जो कुछ भी हुआ वो सब बातें खत्म हो गई हैं, पर अब उसकी जिंदगी में सिर्फ मैं हूँ। हम दोनों
हम दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं। मैं युवराज के बिना नहीं जी सकती, नहीं रह सकती उसके बिना।